हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो किसान तो उससे परिचित होंगे पर जो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, अन्य कोई काम में लगे हैं खेती के अलावा, उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। नाम तो सुना ही होगा उसका। देखिए, देखिए गौर से, दिखा कुछ ये देखिए, ये देखिए, ये जा रही है, ये इसमें अंदर चले गए हो। इनका नाम है दीमक। ये किसी फसल को चट कर सकते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, दीमक। ये लिविंग प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे ही कोई फसल काट कर पटकी जाती है, अगर उसके नीचे नमी होती है तो ये निकल आते हैं। ये हर जगह नहीं होते हैं, किसी विशेष स्थान पर होते हैं, खेत के किसी कोने में या किसी खेत में होते हैं पूरे में। ये अभी अंदर चले गए, यहाँ की सोयाबीन उठा दी तो ये 2-3 दिन में फसल को ये चट कर जाते हैं। ये इस खेत में सिर्फ ये इसी कोने में, ये लाखों की संख्या में होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये जैसे जैसे फसल को खाते जाते हैं ऊपर चढ़ते जाते हैं ढेर पे, और उसके साथ में ये मिट्टी का एक नली नुमा आकृति बनाए जाते हैं। उसी नली से इनका आने जाने का सिस्टम रहता है, ज़मीन से बाहर निकलते हैं उसी में ये खाते हैं, ये फिर इस होल में चले जाते हैं, ऐसे होल होते हैं। पेस्टिसाइड किसी भी प्रकार की दवाई इन पर कोई असर नहीं करती है। सोयाबीन में 3-2 बार कीटनाशक डाली गई, उसके बाद भी ये नहीं मरते हैं। कई सालों से ये समस्या, किसी विशेष जगह रहते हैं ये किसी फसल और सूखे पेड़ को खाते हैं बस। लिविंग प्लांट को ये नहीं नुकसान पहुंचाते। जैसे ही कोई प्लांट सूख जाता है या फसल काट कर पटकी जाती है तब ये खाना स्टार्ट करते हैं। ये हर जगह नहीं होते हैं, किसी विशेष जगह होते हैं, सिर्फ किसान का दुश्मन है दीमक। लोकल भाषा में इसे उदी भी कहा जाता है।